हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है एसटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर इफिशियंट, ठीक है। तो पावर इफिशियंट जो होगा वो हो जाएगा रिस्क आर्किटेक्चर, ठीक है। रिस्क आर्किटेक्चर जो है वो पावर इफिशियंट होता है। रिस्क का जो है फुल फॉर्म होता है रिड्यूज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है फ्रेंड्स। रिस्क का जो है फुल फॉर्म होता है रिड्यूज्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है इन सिस्क आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन, यानी कि सिस्क आर्किटेक्चर में जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो है वो किस में स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए है रजिस्टर में, ऑप्शन बी है डायोड में, ऑप्शन बी है सीमोस में, ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर में। तो दोस्तों, सिस्क आर्किटेक्चर में जो है जितने भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सभी ट्रांजिस्टर में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो सिस्क आर्किटेक्चर में जो है जितने भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं दोस्तों वो ट्रांजिस्टर में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द, ठीक है। तो सिस्क और रिस्क दोनों आर्किटेक्चर को जो है डेवलप किया गया है किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए है कॉस्ट, ऑप्शन बी है टाइम डिले, ऑप्शन सी है सीमेंटिक गैप, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों, सिस्क और रिस्क आर्किटेक्चर को जो है दोनों को डेवलप किया गया है सिमेंटिक गैप को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सिस्क और रिस्क आर्किटेक्चर को जो है दोस्तों डेवलप किया गया है सिमेंटिक गैप को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखें सिमेंटिक गैप क्या होता है। तो सिमेंटिक गैप जो है रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द हाई लेवल ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द लो लेवल ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड बाय द हार्डवेयर, ठीक है। तो सेमेंटिक गैप जो होता है दोस्तों वो होता है हाई लेवल ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल ऑपरेशन जो कि हार्डवेयर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, इस दोनों के बीच का जो गैप है डिफरेंस है उसे सिमेंटिक गैप कहा जाता है। और सिमेंटिक गैप जो है सिस्क और रिस्क दोनों आर्किटेक्चर जो है इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ रिस्क प्रोसेसर इज, रिस्क प्रोसेसर का एडवांटेज क्या है, ठीक है। रिस्क प्रोसेसर का एडवांटेज क्या है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि रिस्क प्रोसेसर कैन ऑपरेट एट हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर डिजाइन साइकिल एंड सिंपल एंड फास्ट, ये सभी के सभी जो है रिस्क प्रोसेसर के एडवांटेज हैं, ठीक है। तो यही है रिस्क प्रोसेसर के एडवांटेज हैं, कैन ऑपरेट एट हाई लेवल, हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर डिजाइन साइकिल, सिंपल और फास्ट। अब है सिस्क डिजाइन प्रोसेसर का जो है डिसएडवांटेज पूछ रहा है। अब जो है सिस्क डिजाइन प्रोसेसर का एडवांटेज पूछ डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो सिस्क डिजाइन प्रोसेसर का डिसएडवांटेज जो है वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी कि सिस्क डिजाइन आर्किटेक्चर जो है वो नेचर में कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो सिस्क का फुल फॉर्म याद रखना है, सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। सिस्क का फुल फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है और ये जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ड्यू टू देयर लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। तो लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन होने के कारण जो है सिस्क जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होता है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी कैन लीड टू लॉन्गर डिजाइन साइकिल, इंक्रीज्ड पावर कंजप्शन एंड डिफिकल्टी इन ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। ओके, तो याद रखना है सिस्क जो है कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें जो है लॉन्गर डिजाइन साइकिल हो सकता है, इंक्रीज्ड पावर कंजप्शन हो सकता है और डिफिकल्टीज इन ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। अब है रिस्क, ठीक है। अब जो है रिस्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो रिस्क का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ जो है रिस्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो रिस्क का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये रिस्क का फुल फॉर्म जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हो जाएगा। ये जो है एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जो कि यूटिलाइज किया जाता है ए स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को।
अब है सिस्क स्टैंड फॉर, तो सिस्क का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, तो सिस्क का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सिस्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सिस्क का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो सिस्क के बारे में यह है, देख लीजिए सिस्क जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ये जो है एक टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जो कि यूज करता है ब्रॉड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जो कि एग्जीक्यूट होता है कॉम्प्लेक्स टास्क में इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन, तो इनमें से कौन से कंप्यूटर रजिस्टर हैं जो रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन को जो है कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ऑप्शन सी है स्टोरेज रजिस्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है एक कंप्यूटर रजिस्टर है जो कि कलेक्ट करता है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन को। एक्यूमुलेटर जो है कंप्यूटर रजिस्टर है जो कि कलेक्ट करता है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन को। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है एक्यूमुलेटर के बारे में। तो एक्यूमुलेटर जो है एक रजिस्टर है जो कि यूज किया जाता है मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसर में टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, यानी ALU के जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए जो है एक्यूमुलेटर का यूज होता है। ठीक है, अब है विच ऑफ द फ्लॉबिंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, विच ऑफ द फ्लॉबिंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, इनमें से कौन से सर्किट जो है जो 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ऑप्शन ए है फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी है डिकोडर, ऑप्शन सी है इनकोडर, ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो दोस्तों फ्लिप फ्लॉप जो है वो जो है 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में है, देख लीजिए फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, और फ्लिप फ्लॉप जो है एक बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट है डेट कैन वो होल्ड 1 बिट ऑफ डेटा, डेट इज बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्म में जो है स्टोर करता है, एंड इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज रजिस्टर काउंटर एंड मेमोरी डिवाइसेज। और फ्लिप फ्लॉप का यूज जो है वेरियस एप्लीकेशंस में होता है, जैसे रजिस्टर हो गया, काउंटर हो गया, मेमोरी डिवाइस हो गया, इन सब में जो है फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब है विच ऑफ द फ्लॉबिंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, तो इसमें से जो है दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन से मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के स्पीड के कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने में। ऑप्शन ए है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है रोम। तो दोस्तों इसमें जो है इस्तेमाल होता है कैश मेमोरी का। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने में जो है कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होता है, तो कैश मेमोरी जो है एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि स्टोर करता है फ्रीक्वेंसली एक्सेस्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, कैश मेमोरी जो है एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन को। और दोस्तों कैश मेमोरी जो है ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में ये होता है। ठीक है, कैश मेमोरी जो है CPU और मेन मेमोरी के बीच में होता है, यानी कि CPU और RAM के बीच में जो है कैश मेमोरी होता है, और जो है ये फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा को। ठीक है, डेटा नीडेड फ्रीक्वेंटली बाय द CPU, जिसका ज़रूरत जो है CPU में होता है उस डेटा को जो है ये फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है। By storing frequently used data closer to the CPU, cache memory helps to reduce the average time to access memory, thereby speeding up computer processing. ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कैश मेमोरी जो है वो जो है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को स्पीड अप करता है, और कैश मेमोरी जो है ये CPU और RAM के बीच में स्टोर रहता है, और ये जो है डायरेक्ट एक्सेस जो है CPU को प्रोवाइड कर देता है। इस कारण से जो है इसमें टाइम कम लगता है और प्रोसेसिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाता है। अब है विच ऑफ द फ्लॉबिंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है बताइए इनमें से कौन से कंप्यूटर मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट है। ऑप्शन ए है रजिस्टर, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव।
दोस्तों वहाँ यहाँ पे जो है रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर जो है कंप्यूटर मेमोरी वो सबसे फास्टेस्ट होता है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रजिस्टर जो है एक स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होता है सीपीयू के अंदर में। रजिस्टर जो है एक स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होता है विद इन द सीपीयू, और दे आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है तो रजिस्टर जो है डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है। रजिस्टर्स हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी बिकॉज दे आर फिजिकली लोकेटेड विद इन द सीपीयू इटसेल्फ। रजिस्टर जो है जितने भी मेमोरी होते हैं उस सभी के कंपेयर में जो है दोस्तों रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट होता है। फास्टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये जो है सीपीयू के में ही जो है ये फिजिकली लोकेटेड होता है। हाउ एवर देयर कैपेसिटी इज वेरी लिमिटेड कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी लाइक रैम और हार्ड डिस्क, ठीक है। लेकिन रजिस्टर का जो है दोस्तों कैपेसिटी जो है वेरी लिमिटेड रहता है एज कंपेयर टू रैम और हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है द फीचर ऑफ रिस्क डैट इज नॉट प्रेजेंट इन सिस्क इज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है बताइए रिस्क का जो है कौन सा वो फीचर्स है जो कि सिस्क में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए है ब्रांच प्रिडिक्शन, ऑप्शन बी है पाइपलाइनिंग, ऑप्शन सी है ब्रांच प्रिडिक्शन एंड पाइपलाइनिंग, ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों रिस्क का फीचर जो कि प्रेजेंट सिस्क में नहीं होता है वो हो जाएगा ब्रांच प्रिडिक्शन एंड पाइपलाइनिंग, ठीक है दोस्तों। रिस्क का फीचर जो कि सिस्क में प्रेजेंट नहीं होता है वो हो जाएगा ब्रांच प्रिडिक्शन एंड पाइपलाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम प्रोसेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो हो जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो हो जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। अब है द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ए स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कॉन्टेंट इज कॉल्ड, यानी कि एवरेज टाइम जो कि स्टोरेज तक पहुंचने में लगता है, ठीक है, और स्टोरेज लोकेशन में पहुंचने में लगता है और फिर कॉन्टेंट्स को जो ऑब्टेंड करने में लगता है, तो उस एवरेज टाइम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लेटेंसी टाइम, ऑप्शन बी है एक्सेस टाइम, ऑप्शन सी है टर्न अराउंड टाइम, ऑप्शन डी है रेस्पॉन्स टाइम। तो इसे जो है एक्सेस टाइम कहा जाता है। ओके, इट मींस द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ए स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट इज कॉल्ड द एक्सेस टाइम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क इज, यानी कि यहाँ पे जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का जो है दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 3 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, ऑप्शन बी है 2 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, ऑप्शन सी है 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल हो जाएगा। ठीक है, रिस्क का जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। ठीक है, तो रिस्क आर्किटेक्चर जो है ये डिजाइन ही किया गया है ताकि 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल जो है एग्जीक्यूट कर सके, एमिंग फॉर सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, और जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में जो है सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी को जो है ये इंक्रीज करता है। ठीक है, नाउ दिस डिजाइन फिलोसफी अलाउज फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटेट्स पाइपलाइनिंग वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कैन बी इन वेरियस स्टेजेज ऑफ एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क आर्किटेक्चर में जो है सिंगल इंस्ट्रक्शन पर साइकिल होता है और ये जो है इसके एग्जीक्यूशन के स्पीड को जो है काफ़ी इंक्रीज करता है। अब है द कलेक्शन ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड, 8 बीट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है नीबल, ऑप्शन सी है वर्ड, ऑप्शन डी है रिकॉर्ड। तो कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट, कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट, 8 बिट के कलेक्शन को जो है बाइट कहते हैं। ठीक है, और 4 बिट के कलेक्शन को जो है नीबल कहते हैं, 4 बिट ऑफ कलेक्शन को जो है नीबल कहते हैं और 8 बिट को जो है बाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है ए बाइट कंसिस्टिंग ऑफ 8 बिट्स एंड इट इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर।
अब है प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। प्रोग्राम काउंटर को जो है और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को जो है और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ऑप्शन बी है डाटा काउंटर, ऑप्शन सी है मेमोरी पॉइंटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों प्रोग्राम काउंटर को जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से जानते हैं, प्रोग्राम काउंटर को जो है दोस्तों इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो है एक स्पेशल रजिस्टर होता है कंप्यूटर प्रोसेसर में, जो कि इंडिकेट करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर जो है एक स्पेशल रजिस्टर होता है कंप्यूटर प्रोसेसर में, जो कि इंडिकेट करता है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और प्रोग्राम काउंटर को ही जो है समटाइम्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, बिकॉज इट्स पॉइंट्स टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम सीक्वेंस। अब है व्हाट डज MIMD स्टैंड फॉर। अब जो है यहाँ पे पूछ रहा है MIMD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डेटा, ऑप्शन बी है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ऑप्शन सी है मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ऑप्शन डी है मेमोरी इंफॉर्मेशन मेमोरी डेटा। तो MIMD का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। MIMD का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, तो MIMD का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा। ये जो है एक क्लासिफिकेशन होता है पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट जो है एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट सेट ऑफ डाटा पे साइमल्टेनियसली। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो है, इस तरह के जो आर्किटेक्चर हैं उन्हें जो है कॉमनली पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है, जहाँ मल्टीपल टास्क जो है एग्जीक्यूट होता है कंकरेंटली ऑन इंडिपेंडेंट डेटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को जो है किसने डेवलप किया था? तो कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को जो है वो डेवलप्ड किया था जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को जो है डेवलप किया गया था जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। अब है रिस्क आर्किटेक्चर इज प्रीफर्ड टू सिस्क बिकॉज रिस्क आर्किटेक्चर एज। रिस्क आर्किटेक्चर जो है ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एज कम्पेयर टू सिस्क। क्यों? क्योंकि रिस्क आर्किटेक्चर में जो है दोस्तों सिंप्लिसिटी होता है, इफिशियंसी होता है और हाई स्पीड होता है। इस कारण से ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि रिस्क आर्किटेक्चर में जो है दोस्तों सिंप्लिसिटी होता है, इफिशियंसी होता है और हाई स्पीड होता है, जिस कारण से जो है एज कम्पेयर टू सिस्क आर्किटेक्चर रिस्क आर्किटेक्चर इज प्रिफर्ड। अब है कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। तो कैश मेमोरी जो है किसके बीच में होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है CPU एंड मेन मेमोरी, ऑप्शन बी है CPU एंड FPU, ऑप्शन सी है MMU एंड हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कैश मेमोरी जो है वो CPU और मेन मेमोरी के बीच में होता है। कैश मेमोरी जो है वो CPU और मेन मेमोरी के बीच में होता है। कह सकते हैं CPU और RAM के बीच में जो है कैश मेमोरी होता है। मेन मेमोरी बोले तो RAM होगा, ओके। इसलिए जो है CPU जो है, इसलिए कैश मेमोरी जो है CPU और मेन मेमोरी के बीच में होता है। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है यहाँ पे, कैश मेमोरी जो है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेन मेमोरी यानी कि RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में होता है। टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करने के लिए ये होता है। देयर बाय रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम टू एक्सेस मेमोरी एंड स्पीडिंग अप द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। और कैश मेमोरी जो है सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है इंक्रीज कर देता है। अब है इन सिस्क आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन। तो अब यहाँ पे है पूछ रहा है सिस्क आर्किटेक्चर में जो है ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो है वो किसमें स्टोर्ड होता है? ऑप्शन ए है रजिस्टर, ऑप्शन बी है डायोड्स, ऑप्शन सी है CMOS, ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों सिस्क आर्किटेक्चर में जो है ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्चर जो है वो ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, सिस्क आर्किटेक्चर में जो है, ठीक है, इन सिस्क आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, सिस्क आर्किटेक्चर में जो है ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो है ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क प्रोसेसर हैज मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन देन सिस्क। रिस्क प्रोसेसर का जो है मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है एज कंपेयर टू सिस्क। ये गलत है कि सही है? तो दोस्तों ये जो है फॉल्स है, क्योंकि रिस्क प्रोसेसर जो है वो काफ़ी आसान होता है एज कंपेयर टू सिस्क। अब है, ए शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन यूज आइदर डैश प्रायोरिटी और डैश प्रायोरिटी। तो एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो कौन से प्रायोरिटी को जो है फॉलो करता है? ठीक है, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो कौन से प्रायोरिटी को फॉलो करेगा? तो वो जो है आइदर स्टेटिक और डायनेमिक प्रायोरिटी को फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है या तो स्टेटिक प्रायोरिटी या फिर डायनेमिक प्रायोरिटी को जो है फॉलो करेगा। अब है, द एडवांटेज ऑफ रिस्क प्रोसेसर इज। अब जो है रिस्क प्रोसेसर का एडवांटेज पूछ रहा है, तो रिस्क प्रोसेसर का एडवांटेज जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द मेंशनड, यानी कि ये जो हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, शॉर्टर डिजाइन साइकिल होता है, सिंपल होता है और फास्ट होता है। इस कारण से जो है ऑल ऑफ द मेंशनड जो है रिस्क प्रोसेसर का एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के सेशन को एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।